तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेफ्टी वॉयलेशन वाली वीडियो जो इस तरह का वीडियो है, लोगों के वीडियो में सेफ्टी वॉयलेशन लगा हुआ है, तो उस वीडियो के सेफ्टी वॉयलेशन को कैसे हम हटा सकते हैं। अगर वो आपके म्यूजिक की वजह से लगा है तो उस सेफ्टी वॉयलेशन को आप कैसे रिमूव करके उस वीडियो को दोबारा हम अपलोड कर सकते हैं जो फिर से अप्रूव्ड हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ कि सेफ्टी वॉयलेशन वीडियो को आप फिर से अपलोड करके उसे अप्रूव कैसे करवा सकते हैं और सेफ्टी वॉयलेशन को कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए, ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सूरज कुमार आदित्य और आप देख रहे हैं मोबाइल ऐप्स और उनकी जानकारियाँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर और ये क्या करते हैं, टिकी ऐप्स ओपन नहीं करते, हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से वॉयलेशन को हम रिमूव करेंगे और उसके लिए हम क्या चलते हैं, काइंड मास्टर में चलते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर दिख रहा होगा, इस टाइप से आपको सेफ्टी वॉयलेशन दिख रहा होगा, तो इसे हमें कैसे रिमूव करना है, तो उसके लिए हम पहले चलते हैं काइंड मास्टर में। काइंड मास्टर में जाने के बाद में ये वीडियो हमने पहले से ले रखा है, आपको कैसे लेना है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो लेना है। लेने के बाद में यहाँ पर आपको अपना वीडियो ढूंढ लेना है, हमने अपना वीडियो ढूंढ करके यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो ये आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना वीडियो को ले लेना है। वीडियो को जैसे ही आप लेते हैं तो ये वाला हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो आ चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, आपका म्यूजिक की वजह से क्या लगा होगा, कॉपीराइट लगा होगा, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जहाँ पर भी आप कुछ बोल रहे हैं वहाँ को हमें सुन लेना है। हम यहाँ पर आवाज़ दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर इसे हम चलाते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर जो भी कुछ बोल रहा है इसे हम पहले अच्छे से सुन लेना है। ठीक है, ये देखिए, तुझे पता है विदेश को इंग्लिश में, ये अच्छे से चल नहीं पा रहा है किसी वजह से। ठीक है ना, हो सकता है शायद स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, इस वजह से ये अच्छे से चल नहीं पा रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, इसे अच्छे से सुन लेना है ये जो भी बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ तो ये बोल रहा है तुझे पता है विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एक साथ हमें इसे बोलना है, जितने में वो बोल रहा है उसे मैच करके हमें उसे बोल देना है। तो यह बोल रहा है उसके साथ में हमें बोलना है, साथ में नहीं, उसको पहले सुन लेना है अच्छे से, उसके बाद हमें उसे ओवरवाइज कर देना है साउथ इंडियन पिक्चर की तरह। चलिए, तो ये रिकॉर्ड करके लिखा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार हम और सुन लेते हैं वो कितने में बोल रहा है, कितने कितना गैप में वो बोल रहा है, तो एक बार सुन लेते हैं हम भले ही पिक्चर ना चले। देखिए, तुझे पता है विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ तो तुझे पता है विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे हमें क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तुझे पता है विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। एक बार में नहीं होता है तो आपको दो तीन बार रिकॉर्ड कर लेना, फिर हम यहाँ पर मैच करके देखते हैं मैच कर रहा है या नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर वीडियो है वहाँ पर ये ऑडियो को भी हमें ले जाना है, दोनों को मैच करने के लिए। ठीक है, खिसका करके देखिए, ये पीछे हो गया, फिर हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्या बोल रहे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आगे हो गया, तो आपको दो तीन बार रिकॉर्ड कर लें ताकि बराबर से मैच हो सके और इसे बराबर से यहाँ सेट ऐसे टाइप से कर देना। देखिए, ये फिर थोड़ा पीछे हो गया, ये थोड़ा आगे कर लेना, इस टाइप से आपको क्या है मैच कर लेना है। ये फिर पीछे हो गया, थोड़ा सा और आगे करना है हमें, अब देख लेते हैं, ये थोड़ा सा पीछे हो गया, फिर बराबर से हमें मैच कर लेना, इस टाइप से आपको मैच कर लेना है। ठीक है, तुझे पता है ये देखिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपको बराबर से मैच कर लेना है। तो ये जो भी बोल रहा है उसको हमें अच्छे से सुन लेना है, फिर उस जितना भी वो बोला है उस पर हमें क्या करना है, इसको बोलना है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें मैच हो चुका है, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो रहा है, विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये देखिए ये मैच हो चुका है, एक बार और आप सुनिए, थोड़ा सा मिस्टेक है तो आपको उसको सुधार लेना है। तुझे पता है विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये ऑडियो आपको सुनाई दे रहा होगा, तो ये बराबर से हमारा मैच हो चुका है। तो इस टाइप से आपको पूरा वीडियो का क्या कर लेना है, कम्प्लीट इसे वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी ओरिजिनल वीडियो है वो म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट लगा है, तो हमें क्या कर लेना है, इसे म्यूट यहाँ से कर देना है। ठीक है, इसे म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद फिर कोई भी हम सॉन्ग डालना चाहते हैं, अब सॉन्ग हमें कौन सा डालना है, सॉन्ग हमें वो डालना है जो टिकी में कॉपीराइट ना हो, जैसे जी म्यूजिक कंपनी का हो गया, टी सीरीज म्यूजिक कंपनी का हो गया,
उसके बाद से यस राज फिल्म को हो गई, ये तीन कंपनी का हमें म्यूज़िक यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ये कैसे करना है, तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट म्यूज़िक ले लेते हैं जो म्यूज़िक हमें डालना है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से हम म्यूज़िक ले लेते हैं, ये न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर में जाने के बाद में ये सॉरी हम शुरू से ही ले लेते हैं, ये फिर से हम आ जाते हैं शुरू से, ये म्यूज़िक में जाते हैं। म्यूज़िक में जाने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हम हमें सॉन्ग लेना है, इस सॉन्ग का नाम है अभी मुझ में कहीं, ठीक है। तो ये सॉन्ग हम ले लेते हैं क्योंकि जी म्यूज़िक कंपनी का नहीं है, तो ये यहाँ पर आ गया। आने के बाद में ये म्यूज़िक मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी, ये मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। कम करने के बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें म्यूज़िक रखना है, थोड़ा सा एडिटिंग भी आपको बताया, तो ये देखिए जहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है वहाँ तक हमें क्या कर लेना, इस म्यूज़िक को यहाँ से स्प्लिट अप प्ले हिट कर लेना है। फिर यहाँ पर म्यूज़िक है मतलब वॉइस है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, एक बार क्या कर लेना, स्प्लिट अप ले यहाँ पर भी कर लेना है। और जैसे यहाँ पर भी कुछ वॉइस है, एक बार मैं फिर से रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ और बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, जो भी यहाँ कुछ बोल रहा है यहाँ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद में ये देख सकते हैं हम, हाँ ये हो चुका है यहाँ पर सेव, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान कर चलिए म्यूज़िक है, हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर भी म्यूज़िक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं। और उसके बाद से फिर यहाँ पर फिर से हम यहाँ कर लेते हैं कट। आपको तो एडिटिंग अच्छी तरह से आता होगा लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद से क्या करना है हमें यहाँ पे अपना म्यूज़िक में, जैसे ही ओरिजिनल साउंड को तो हमें म्यूट कर ही देना है कि हमने म्यूट कर दिया, फिर से कर दिया म्यूट। उसके बाद से फिर जो भी आपका इधर बिना सॉन्ग का है, जहाँ पर कोई भी डायलॉग नहीं है, वहाँ पर अच्छे से हमें क्या कर लेना, आवाज़ थोड़ा बढ़ा लेना है कि हमने आवाज़ बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद में यहाँ का आवाज़ हमें क्या कर देना, थोड़ा सा कम कर देना है ताकि अच्छे से समझ में, आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है। और यहाँ का भी आवाज़ बढ़ा लेना, आपको जल्दी जल्दी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर का आवाज़ हमने बढ़ा दिया, और जहाँ पर कुछ भी डायलॉग हम बोल रहे हैं वहाँ पर का वॉल्यूम हमें कम कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कभी हम बढ़ा लेते हैं पूरा, अगर इधर कुछ भी डायलॉग नहीं है तो, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको देख करके इसे कम ज़्यादा यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से फिर आपको जो भी है यहाँ पर लास्ट में स्टार वाला जो वीडियो है वहाँ पर आप डाल सकते हैं, और इसको हमें कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप अलग से बोल सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपना कीमती स्टार जरूर दे, या फिर अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सॉरी यहाँ पर हमें स्टार मांगना था, हमने गलती कर दिया। क्या ये वीडियो एक स्टार के काबिल है या उससे भी ज़्यादा, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद इसे भी हमें क्या कर लेना, अपने हिसाब से मैच कर लेना है। यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं कट, इसको क्लिक करके यहाँ पर हम कट लगा देते हैं। स्प्लिट अप प्ले हेड आपको अपने हिसाब से लगाना है। उसके बाद फिर इसमें क्या है, वॉल्यूम आपको थोड़ा बढ़ा देना है, और यहाँ पर क्या कर देना है, वॉल्यूम यहाँ पे कम कर देना है। थोड़ी सी मैं आपको एडिटिंग बता रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं, आपको भी इस हिसाब से कर लेना है। करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ और बताया, तो अगर आपका एक मोबाइल से नहीं बन पा रहा है तो आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक दूसरा मोबाइल ले लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक और मोबाइल की स्क्रीन दिख रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ हेडफोन लगा लेना है ऐसे टाइप से, ठीक है, ताकि उस वाले मोबाइल का जो वॉइस है इसमें ना आए, ठीक है। उसके बाद से अगर आपके पास माइक होगा तो जो आपका मेन मोबाइल है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसमें आपको क्या करना है, माइक लगा लेना। जैसे मेरे यहाँ माइक लगा हुआ है तो इस माइक को यहाँ पर लगा लेना है। लगाने के बाद फिर आपको उसको पकड़ लेना है, और हेडफोन होगा तो आपको हेडफोन को, एक हेडफोन को आपको यहाँ पर लगा लेना जो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होगा। फिर तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो भी चलेगा उसको सुनना बस है, और इसका रिकॉर्ड को हमें स्टार्ट कर दिए रहना है। ये पहले से हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए तो अब हम उसे चला लेते हैं, क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुझे पता है विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ एक बार भी नहीं बना, दूसरी बार चेक करते हैं। हाँ तुझे पता है विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने दो बार चला लिया दूसरे मोबाइल से, ठीक है, जो आपको स्क्रीन साइड में दिख रहा होगा। तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया हेडफोन को अच्छे से लगा करके। उसके बाद से जैसे ही हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया, एक फ़ोन से नहीं बन रहा तो दूसरे फ़ोन में डायरेक्ट हमने सुना, और इसमें हमने क्या किया, जो भी वो बोल रहा है उसको हम दोहरा करके यहाँ पर बोल रहे हैं, तो वो क्या है, रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। उसे हम गैलरी से चला करके भी कर सकते हैं, या फिर काइन मास्टर से चला कर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे रिकॉर्ड कर लिए। बाकी फिर मैंने आपको बता दिया कैसे इसका वॉल्यूम कम करना है, यहाँ से इसे कट कर लेना, ये आप कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, इसे ऐसे करके
एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद में फिर क्या करना है, उस वीडियो को हमें अपलोड कर देना है। इस टाइप से आपको ओवरवॉइस करके अपलोड कर देना है। ओवरवॉइस करने के बाद म्यूजिक जैसे हमने डाला वैसी टाइप से आपको डाल देना है। तो फिर ये क्या है, अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो वीडियो है उसमें वॉलेशन म्यूजिक की वजह से आया था, कॉपीराइट म्यूजिक की वजह से। तो आपको इस टाइप से उसे एडिट कर लेना है अच्छे से, और फिर उसे हमें क्या कर लेना है, डाल देना है, ठीक है आपके पास। लेकिन हाँ, ध्यान रहे आपके पास ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए, जिससे म्यूजिक डाला हो, या फिर म्यूजिक नहीं डाला हो तो और अच्छी बात है। और उसमें आपका जो रिकॉर्ड वाली ऑडियो है, अगर आपके पास वो हो तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, जो आपने रिकॉर्ड करके पहले से रखा। और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ओवर वॉइस इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ओरिजिनल वीडियो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर कीजिएगा, उसके बाद से फिर आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो वो क्या है, अप्रूव्ड हो जाएगा। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको सारी चीज़ समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमें मोटिवेट मिले, और वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए, हमें मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा हम अच्छी वीडियो और इस चैनल पर लेकर के आएंगे। चलिए, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।